बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मलाल है, दुख है कि ट्रॉफी टच नहीं कर पाए? खुशी है इस बात का कि टॉप थ्री में पहुंची, बस खुशी है, दुख बिल्कुल भी नहीं है। डेफिनेटली अपने आप को तो लकी मानती हूँ कि फर्स्ट कन्फर्म्ड, फर्स्ट फाइनलिस्ट। फिर जिन लोगों को उम्मीद नहीं था, मेरे पे विश्वास नहीं था कि वो टॉप थ्री में या टॉप फाइव में भी पहुँचेगी, तो मैं टॉप थ्री में पहुँच गई, तो लकी तो हूँ। हाँ, काफी धमाकेदार एंट्री हुई थी। हाँ, एंट्री होते ही हाँ, सारे लोगों के चेहरे पर सलमान बहुत कॉन्फिडेंट थे। यस, लेकिन जाते जाते जो टैग आपको लग गया, बहुत ही मतलब बदतमीज लड़की, मतलब yes. बहुत एक तरह से किसके लिए भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, तो हाँ, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मुझे ऐसे लगता है वो टैग इसलिए दिया गया क्योंकि अगर एक घर के अंदर आप 10-15 लोगों को एक साथ रखते हैं तो हर किस्म के लोग होंगे, सबका नेचर अलग होगा, तो अपना पक्ष रखने के लिए आप कभी कभी ऊंच नीच आवाज़ में बात कर लेते हो। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, सबसे मतलब छोटी कंटेस्टेंट में थी, तो यार उन लोगों से बदतमीजी हो जाती थी, तो मेरे से भी तू तड़ाक से बात हो जाती थी, तो उस दौरान बातें इतनी बिगड़ जाती थी कि वो गौर पूरा मुझ पे आता था, वो फोकस मुझ पे आता था कि शी इज़ लुकिंग वेरी बदतमीज बिकॉज शी इज़ यंगर, वो इज्जत से नहीं बात कर रही, तो इस वजह से वो टैग मुझे दिया गया। बट इट्स जस्ट फॉर द गेम आई थिंक सो। नॉर्मल लाइफ में हम थोड़ी ऐसे बात करते या रास्ते पे सबसे झगड़ते हुए गुजरते, नहीं, दिस वॉज ओनली फॉर द गेम, यू नो। और इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एट वन पॉइंट क्योंकि आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हो, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द एंगर। एंड आई एम एक्चुअली अ शॉर्ट टेम्पर गर्ल, बट मैंने भी बहुत कंट्रोल किया उनके समझाने के बाद। यस, जिस तरह से आप घर से बाहर गए, हाँ, बोर्ड की वजह से, यस यस, हाँ, वापस जब आई तो रुबीना की इतनी अच्छी, तो मतलब बहन बन चुकी, हाँ, तो मतलब इतनी अच्छी दोस्ती, यस, ये क्यों हुआ? ओके, तो रुबीना को पहले तो मैं पसंद नहीं करती थी क्योंकि हमारी कुछ मतलब बातचीत ही नहीं होती थी। मैं घर से चली गई, वापस आई, वापस आने के बाद राहुल नहीं था तो मेरे दोस्त नहीं थे, तो फिर रुबीना से मेरी बातचीत हुई, मैंने उसको समझने की कोशिश करी, उन्होंने हाथ बढ़ाया दोस्ती का, तो उन्होंने मुझे समझा, हम दोनों का बॉन्डिंग एक अलग लेवल पे गया, हम एक दूसरे की बातें इतनी अच्छी लगी, बॉन्ड अलग लेवल का बना। शी इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन, वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ, उसमें एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है, एक मॉम की तरह और एक सगी बहन की तरह वो आपकी केयर करती है, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें मुझे उसकी अच्छी लगी और मैंने सोचा कि दिस रिलेशनशिप वी शुड टेक इट अहेड, और इसीलिए हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बना। और अगर बात करें जानकी, अब घर से बाहर निकल चुकी, क्या ये दोस्ती जो पूरा एक तरह से राखी के लगने लव लपाटा था वो कंटिन्यू में रहेगा? नहीं, ये लव लपाटा बिल्कुल नहीं है मेरे तरफ से क्लियर दोस्ती है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। और किससे आप नहीं मिलना चाहेंगे, मतलब घर से निकलने के? ऐसा कोई भी नहीं है, सबसे मैं हाय हेलो रखूँगी, अब तो गेम हो गया ना, अब तो ठीक है, जो मिलेगा, जिससे बातचीत होगी अच्छी से होगी, कोई गिले शिकवे नहीं है, नो पर्सनल ग्रजेस, नॉट एट ऑल। जस्टिन जब घर में थी, हाँ, फर्स्ट, हाँ, दोबारा वापस आई, हाँ, बिल्कुल ही अलग अवतार, कौन, जस्टिन का, हाँ, अब उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बिल्कुल अलग अवतार में आई थी और रुबीना से दूर करने की बात कर रही थी? हाँ हाँ यार, मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, मैंने हम खुद इतने कंफ्यूज थे, इतने अपने में उलझे हुए थे कि हमको सच में इतना टाइम नहीं मिला कि किसी और को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच से आए हैं, हम लोग क्योंकि अभी फिनाले आ गया था ना, हम लोग इतने स्ट्रेस थे जेन्यूनली कि हमको हमारी नाव बचानी थी, किसी दूसरे के नाव में हम पैर ही नहीं रख रहे थे, यू नो, तो इसलिए फोकस उस पर गया नहीं, हम हमारा ही सही करने में तुले हुए थे। यस, ये हाथ में ब्रेसलेट हमको सलमान सर ने दिया है, जो टॉप 5 कंटेस्टेंट्स थे, हमको हमारे राशि के हिसाब से दिया है, तो मेरी राशि है लियो, तो उसके बेसिस पे ये स्टोन दिया गया है मुझे, हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं जो सर ने हमको ये दिया है। लास्ट में आपने भी जो मेकअप वाली बात की थी कि हमको इतने का मेकअप खरीद लेते हैं, ये सब बातें हुई थी, हाँ हाँ हाँ, जो राखी से करी थी वो कॉन्वर्सेशन किस बेसिस पे हुई थी? 14 लाख तो मैं मेकअप खरीद ली, हाँ, वो तो बस कहने की बात थी यार, मतलब ऐसे ही उसको चिढ़ाते थे हम, ऐसे और कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही उसका ये कुछ पर्सनल ये नहीं। फाइनली अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी? मेरे फैन से मैं यही कहना चाहती हूँ कि थैंक्स मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, अगर आप नहीं होते तो मैं शायद ही टॉप 3 में पहुँच पाती,
क्योंकि मैं पहले कम वोट्स के बेसिस पे बाहर निकली थी, लेकिन इस बार आप लोगों ने सच में मेरा दिल जीत लिया जैसे मैंने आपका दिल जीता है। थैंक यू सो मच, मैं टॉप 3 में भी पहुंची, ये भी बहुत बड़ी बात है। आई वुड लव टू थैंक यू ऑल, आई एम ब्लेस्ड, आई फील प्राउड ऑफ माई फैंस कि उन्होंने मुझे बचाया, मेरा ख्याल रखा। थैंक यू सो मच, आई लव यू। बिग बॉस के अलावा जैसे कोई सीरियल होगा या फिर इस तरह का होगा, ऑफर आएंगे, हाँ, क्या प्लान है आपका? मेरा कैरेक्टर अगर उसमें जाएगा, मुझे अगर वो स्क्रिप्ट पसंद आएगी तो डेफिनेटली हाँ ही होगी। रुबीना के साथ कभी मौका मिले काम करने का? डेफिनेटली करूंगी, खुशी खुशी करूंगी। यस, थैंक यू, थैंक यू।